रूम स्टूडेंट, कैसे हो सब? सच है अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन में पहले से हम सीखे तो हमने सबसे पहले का ख ग वो सीखा था, उसके बाद असे मात्रा सीखी थी, राइट। तो सबसे पहले हम मात्राओं का एक बार अभ्यास कर लेते हैं। कैसे? तो देखो, ये क्या है? आ। ये क्या है? आ। आपको ऐसी मात्रा आ। फिर ये क्या है? छोटी ई, छोटी ई। ये क्या है? बड़ी ई, बड़ी ई। ये क्या है? छोटा उ। ये मात्रा है, छोटे उ की मात्रा। असे अना, आसे आम। असे अना, आसे बड़े उस छोटे उसे से उन यानी फुल, राइट। फिर आती है ए, एडी। ये एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा है, राइट। ये है चटनी, लहसुन की चटनी और वो अदरक कुटती है ना, वो ओखली का ओ की मात्रा। उसके बाद आती है औ, औ की मात्रा। औ से औरक, औ से औरक, औ की मात्रा। उसके बाद आती है अंग, अंग, अंग से अंगूर, अंगूर ग्रेप्स, राइट। तो अंग, अंग की मात्रा। उसके बाद यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्रू, रुष से ऋषि, राइट। तो ये मात्रा हमने सीखी है, ये मात्रा हमने सीखी है। तो ये मात्रा हम कैसे, तो पहले हम पूरी वर्णमाला सीख लेते हैं, राइट। ये रिवीजन है, फिर भी शुरुआत का पसे कमल, ख खसे खरगोश,
से घर, देखो आता है हम। च, जैसे चम्मच। च, ज, ज, जग का ज, ज, जंबे का ज, ये या। टमाटर का ट, ठ, ठठेरा का ठ, ड, डमरू का ड, ड, ढक्कन का ड, द, द, न, प, फ, प, बा, मा, या, रा, ला, वा, शा, ला, श, त्र, ग्न, श, का, और फिर से बोल दे, क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ये अंग है, इससे कोई, ये अनुस्वार है, इससे कोई शब्द की शुरुआत होती नहीं है। ज, ज, ये आधा अनुस्वार है। य, ट, ठ, ड, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ल, श, त्र, न, श्रवण का श।
कंप्लीट कर दी है तो ये क्या लिखा है मैंने का और ये किसकी मात्रा है हाँ तो क प्लस आ की मात्रा क्या बनेगा का क और आ की मात्रा का क और आ की मात्रा का समझ में आता है ये क्या लिखा है मैंने म म और ये किसकी मात्रा है आ की मात्रा तो मैं क्या लिखूंगी म और आ की मात्रा म और आ की मात्रा म ध्यान से देखो ये मैंने क्या लिखा है र र और ये किसकी मात्रा है रा किसकी मात्रा है रा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ रा क्या लिखेंगे रा से पूरा आ की मात्रा की पूरी बार अक्षर पूरी बार में आनी चाहिए बोलेंगे कैसे का क्यों ऐसे क्योंकि क और आ की मात्रा क्या होती है का म को आ की मात्रा मा र को आ की मात्रा रा फिर आया ल और आ की मात्रा क्या बनेगा ला क्या बनेगा ला ल के बाद क्या आता है क ल के बाद क आता है पर हम यहाँ क्या लिखेंगे के फिर श अब ये आपको बोलना है ये क्या बना श क्या बना श एक बार ये भी बोलो ये मैंने क्या लिखा है क्या लिखा है गा तो गा कैसे होता है कैसे होता है ग और आ की मात्रा ग और आ की मात्रा गा समझ में आया तो ऐसे आ की मात्रा की बाराक्षरी वर्णमाला आनी चाहिए चलो अब छोटे ई की देखते हैं
वैसे ही लिखा लिखा ख बड़े की मात्रा बनेगा की, क्या बनेगा की, ग बड़ी की मात्रा क्या बनेगा गी, क्या बनेगा ये क्या है म बड़ी की मात्रा क्या बनेगा मी, छोटे ऊ की तरह बड़े ऊ की आते हैं। हम एक बार ऊ की मात्रा देख लेते हैं कैसे देखो
जैसे पूरी बाराक्षरी का रिविजन हम करेंगे राइट। ये बेज बेज है, ये पकाएगा तो पूरा फंडा लिखना आ जाएगा। अभी भी नहीं करेंगे मात्रा के दो दो शब्द कैसे लिखते हैं। जग मा मात्रा से हाथ कान छोटे चित्र किसान बड़ी से बड़ी की से कोई भी वाक्य कैसे चित्र किसान थी फिर हाथी घड़ी छोटा छोटा उसे मुख पुन मराऊ मराऊ से झूला मराऊ से झूला सूरज